2019 को तुगलकाबाद का जो गुरु दरबार था मोदी की गवाही के अंदर डीडीए के द्वारा वो उसको तोड़ा गया। 100 एकड़ 100 एकड़ ज्यादा जमीन वो हथिया ली गई है। वो नरेंद्र मोदी की तानाशाही है, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तुगलकाबाद भी तोड़ दिया। भारत सरकार की वो जगह नहीं है, जगह तो हमें साहब गुरु रविदास जी को नरेंद्र अपना सिकंदर शाह लोधी ने दी थी। सरकार के पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है। सरकार ने तानाशाह के आधार पर इस जगह को हथियाया है। क्या इनके पास बाबरी मस्जिद को गिराने के पेपर थे? क्या तुगलकाबाद को गिराने? इनके पास कुछ नहीं होता, ये गिरा देते हैं क्योंकि तानाशाह है। तुगलकाबाद में जस्टिस हमें मिलना चाहिए, सरकार जस्टिस देना नहीं चाहती, हम लेके रहेंगे। तो ये बात बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी मसला हल कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में एक तगड़ा संघर्ष होगा। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में तुगलकाबाद एक क्षेत्र जहां पे 2019 में एक गुरुद्वारे को ध्वस्त कर दिया गया था, उसी के लिए आज यहां पे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है सरकार से कि तुगलकाबाद को बचाओ। मेरे साथ मौजूद हैं शख्स, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रेशम सिंह कालो है, मैं प्रेसिडेंट हूँ नरेगा वर्कर फ्रंट का। तो रेशम जी, ये बताएं जो आज आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें क्या समस्या है? पता चला कि गुरुद्वारा था उसको 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था, क्यों किया गया था और उसके बाद क्या कहानी हुई? 10 अगस्त 2019 को तुगलकाबाद का जो गुरु दरबार था मोदी की गवाही के अंदर डीडीए के द्वारा वो उसको तोड़ा गया। 100 एकड़ 100 एकड़ ज्यादा जमीन वो हथिया ली गई है। क्या कहकर तोड़ दिया गया? वो नरेंद्र मोदी की तानाशाही है, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तुगलकाबाद भी तोड़ दिया, हरमंदर साहब पे भी अटैक किया था। केंद्र सरकार का अपनी एक ताकत है, इस्तेमाल करती है और वो ताकत गलत का इस्तेमाल करती है। जो सच के आधार पर उन्होंने कोई जस्टिस नहीं दिया। नहीं, कोई आपको वहाँ पे नोटिस वगैरह दिया था कि भाई इस वजह से हम ऐसा तोड़ रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी की तो वो जगह नहीं है, भारत सरकार की वो जगह नहीं है। जगह तो हमें साहब गुरु रविदास जी को नरेंद्र अपना सिकंदर शाह लोधी ने दी थी। अब सिकंदर शाह लोधी की दी जमीन मोदी कैसे ले सकते हैं? सरकार के पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है। सरकार ने तानाशाह के आधार पर इस जगह को हथियाया है और सतगुरु रविदास जी का दरबार तोड़ा। 3 साल हो गए, एक डम्मी कमेटी बनाई, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया होगा, कोर्ट में मैटर चल रहा है? नहीं, कोर्ट देखो, कोर्ट में तो हम तब जाएं जब हमारे कोई चीज हमें पेपर दिखाना हो। ये तो एक आदेश था महाराजा का, गुरु जी को जगह दी, जगह हमारे समाज के पास थी, संगत के पास थी, वहाँ दरबार बना हुआ था। तो पेपर तो अगर, क्या इनके पास बाबरी मस्जिद को गिराने के पेपर थे? क्या तुगलकाबाद को गिराने? इनके पास कुछ नहीं होता, ये गिरा देते हैं क्योंकि तानाशाह है। आज ही बाबरी मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया था और आज बाबा जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जो संविधान लिखा और उनका आज निधन भी हुआ था, तमाम इस तरह की चीजें, और आज ही आप लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या लगता है, संविधान ने अधिकार दिए हैं, अधिकार मिल नहीं पा रहे हैं? जो 6 दिसंबर को बाबा साहब का प्री निर्वाण दिवस है, इसीलिए हमने ये दिन रखा है। आज के दिन ही बाबरी मस्जिद गिराई थी 92 में और हरमंदर साहब के ऊपर ही हमला किया गया था। तो आज हमें सरकार जस्टिस देने के लिए मजबूर कर देंगे। तुगलकाबाद में जस्टिस हमें मिलना चाहिए, सरकार जस्टिस देना नहीं चाहती, हम लेके रहेंगे। तो ये बताएं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो सरदार कम्युनिटी होती है दिल्ली के अंदर भी, बहुत सरदार को बहुत असरदार कहा जाता है। तो क्या लगता है कि सरदार जो है वो असरदार हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? 19 से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखो, ऐसा है, सरकार ने झूठ बोला कि हम मंदिर कमेटी बना देते हैं। वो 10 मेंबरी कमेटी जो है वो मीटिंग करती है, उसको चाय बनाते हैं, पकौड़ा खिला देते हैं और वापस भेज देते हैं कमेटी मेंबर्स को। अब हमने शुरुआत कर दी है नरेगा वर्कर फ्रंट के माध्यम से, अब हम 100 एकड़ से ज्यादा जमीन को लेके रहेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को ये बात बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी मसला हल कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में एक तगड़ा संघर्ष होगा। आज हम गिनती नहीं देख रहे कितनी है, आज हमारा जो फ्लेक्स है इसका प्रचार हो गया है और भारत सरकार का होम डिपार्टमेंट, भारत सरकार की रॉ, सीबीआई, आईबी, सब इंटेलिजेंस विंग को मालूम हो गया है कि नरेगा वर्कर फ्रंट एक लंबा संघर्ष करेगा। जो समाज सोया हुआ
उसको हम जगा के रहेंगे। तो समाज से आपको जो आपकी कम्युनिटी है, जो सरदार वर्ग है, क्या सहयोग मिल रहा है और आगे की रणनीति क्या रहेगी फिर इसके बाद? हमारे पास जो हमारा सिख पंथ है, जो ट्राइबल लोग हैं, सबसे सहमति बन रही है। आने वाले समय में एक नया प्रोग्राम देने जा रहे हैं, दिल्ली में प्रोग्राम होगा और बड़े पैमाने पे होगा, जिससे सरकार कांप जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, मेहरबानी आपके चैनल का, आपने हमें इस चैनल पे लाए और इसे तुगलकाबाद की आपके चैनल के माध्यम से, एंटी करप्शन इंडिया के माध्यम से, चैनल से हमारी बात आगे गई है। इसके लिए हम एंटी करप्शन चैनल का बहुत दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। तो तमाम जो है आपने देखा, जो दिल्ली में मौजूद तुगलकाबाद 2019 में एक जो गुरुद्वारा था वो ध्वस्त कर दिया गया और 19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे की रणनीति ये होगी, क्योंकि सरदार को बड़ा सरदार कहा जाता है, किसान कानून भी वापस करवा लिए थे, अब जो ये लड़ाई है ये कहां तक जाएगी और सरकार कब तक सुनेगी, क्योंकि कमेटी बनी है लेकिन परिणाम अभी तक कुछ नहीं आया है। क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।